यार काफी भीड़ लगी हुई है बकिंघम पैलेस के बाहर। कोई सेरेमनी चल रही है इनकी, कुछ ना कुछ मॉर्निंग में होता होगा इनका। इधर से घोड़े आ रहे हैं, उधर से भी घोड़े आ रहे हैं। उधर थोड़ा ना बैंड वगैरह भी बज रहा है, आगे से आएंगे दोबारा शायद। ये आगे ढोल वगैरह जो बैंड होता है आर्मी वाला, वो चल रहा है। पास में आते हैं थोड़े थोड़े, ये देखते हैं।
हैं दूसरे दरवाजे से अंदर। पहले गए थे इस वाले दरवाजे से जो रेड कपड़ों में थे, दूसरे गए हैं जो दूसरी ड्रेस में इस वाले गेट से अंदर गए हैं। तो अंदर अभी दिख नहीं रहा, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, कुछ पता ही नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। ट्राई करते हैं दिखाने की। ये था सारा जो चेंज ऑफ सेरेमनी वाला प्रोग्राम। यहाँ से दो बटालियंस वगैरह कह सकते हैं हम आती हैं, तो अंदर जाके जो भी सेरेमनी रहती है बैंड वगैरह बजाते हैं, आपस में बात करते हैं। तो इस तरीके से करा इन्होंने, बाकी अंदर कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा तो, बट मेरे को आगे भी जाना था काफ़ी, अभी भी काफ़ी लोग हैं, कुछ लोग जाने लगे हैं, बट अंदर वाली सेरेमनी मेरे को लगता नहीं है ज़्यादा वो हम देख पाएंगे, बेटर है। मैंने सोचा कि चलते हैं, तो अभी आगे जाना, आगे जाके लंदन ब्रिज देखना है वहाँ पे भी, तो फिर चलते हैं। अभी काफ़ी लोग हैं बट जाने लग गए काफ़ी। तो म्यूज़िक वगैरह चल रहा है, बैंड वगैरह बजा रहे हैं अभी, बट दिख नहीं रहा, लोग काफ़ी हैं। देखो आप देख सकते हो भीड़ है बहुत। तो चल रहे हैं आगे, देखो ये फायदा होता है पैदल आने का, कहाँ पे एडवेंचर मिल जाए कुछ नहीं पता होता। पहले तो बस में जाना था सीधा, लंदन ब्रिज उतर जाना था, बट अभी है कि काफी चीजें देखने को मिल गई हैं। लंदन वैसे बहुत एक्सपेंसिव है भाई, यहाँ पे ना काफी महंगी चीजें हैं, तो टिकट लेनी इजी है, वीज़ा लेना सॉरी इजी है, वीज़ा तो मिल जाता है सस्ता, बट उसके बाद टिकट्स लेनी, उसके बाद सारी चीज़ें लाइक मैनेज करनी, जैसे वो इजी नहीं। सामने से यार बड़ा सही लगता है बुकिंगम पैलेस, देखो ये बिल्कुल फ्रंट साइड पे हूँ मैं अभी।
boat's closed. We're going to South ये आगे जाके है, इस रोड से ही आती है जो भी हॉर्स वगैरह है। ओके भर दिया, पहले खाली थी।